वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब। परवेज इलाही ने कल 186 वोट हासिल किए, जबकि अपोजिशन जमातों ने वोटिंग के अमल का बायकॉट किया और अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। अपोजिशन अरकान की जानिब से ऐवान में हंगामा रे की गई और अरकान ने कुर्सियां उठाकर डाइस पर मारी। राय शुमारी के मरहले के दौरान अरकान ने शदीद एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि एतमाद का वोट देने पर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के लोगों समेत मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और बिलाल वराइज का शुक्रिया अदा करता हूं। उनका कहना था कि नून लीग के लीडर कहते हैं हम मांग कर ले आए हैं, ये मांगते हैं ये कायदे आजम की विरासत के काबिल नहीं, एक ही लीडर है वो इमरान खान है। तमाम वज़रा का शुक्रिया अदा करता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखला राणा सनाउल्ला ने कहा कि एतमाद के वोट के लिए पंजाब असेंबली की कार्रवाई धोखे से शुरू की गई, हम उसे तस्लीम नहीं करते, जो भी नंबर शो करेंगे जालसाजी होगी, कोई एतमाद नहीं करेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखला राणा सनाउल्ला ने कहा कि स्पीकर ने कहा कि आज की कार्रवाई में एतमाद का वोट नहीं होगा। रात 12 बजे के बाद दूसरा एजेंडा जारी किया गया। वज़ीर आला के एतमाद का वोट हासिल करने के बाद पंजाब असेंबली की तहलील के मामले पर इमरान खान आज पार्टी की सीनियर लीडरशिप और इत्तेहादी क़यादत के साथ आइंदा की राय अमल पर मुशावरत करेंगे। पार्टी की सीनियर लीडरशिप और इत्तेहादी क़यादत के साथ मुशावरत में लाहौर हाई कोर्ट केस की आज की समाअत को भी मद्देनजर रखा जाएगा। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार, इस्लामाबाद खिता पोटोहार में बारिश, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलाई पंजाब में बारिश के साथ साथ बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में धुंध की शिद्दत में कमी का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। NIH की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4050 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 26 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.64% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 16 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।